अरविंद केजरीवाल अटैक्ट। नमस्कार जी, 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड यूट्यूब चैनल आम प्रेस टीवी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे एक चिली पाउडर का अटैक हुआ। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो थोड़ा अजीब सा लगा। उस खबर पढ़ने के बाद मैंने ट्विटर पर एक वीडियो देखा इस पूरे इंसिडेंट का। क्या ये अटैक अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट में हुआ? ये अटैक बाय द वे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर हुआ। और मैंने सोचा, क्या ये अटैक अरविंद केजरीवाल पर है या भारत की डेमोक्रेसी पर है? फिर कहीं ना कहीं किसी खबर में पता लगा कि दिल्ली के भाजपा के जो हेड हैं मिस्टर मनोज तिवारी, उन्होंने भी इस अटैक का खंडन किया है। अब हमें सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें किसी चीज़ से नाराजगी है तो उस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए क्या हम एक्सट्रीमिस्ट स्टेप्स उठाएंगे? क्या भारत की डेमोक्रेसी ये एक्सट्रीमिस्ट स्टेप्स को टॉलरेट करना चाहता है? फिर ध्यान गया उन बातों पर जहां पहले भी मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी थी, इंक फेंक दी थी। फिर कभी किसी ने कुछ चप्पल का भी कोई इंसिडेंट हुआ था। और जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तो ये मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने आते हैं उस दिन। लेकिन उस दिन के बाद जो बंदा ऐसे काम, जो इंसान ऐसे काम करता है, उसका क्या हुआ ये मीडिया में कभी नहीं पता लगता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि लीडर्स खुद ही कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं लेना, जाने दो। पर जाने दो, जाने दो, जाने दो, कब तक जाने दो? जब अब आपको तो पता ही है कि 2019 के इलेक्शंस आ रहे हैं। पीछे कुछ महीनों में ये भी पता लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ जानलेवा हमलों की भी खबरें मीडिया में आती रही हैं। अब यहाँ तो केजरीवाल जी के चक्कर में तो सामने वीडियो भी नज़र आ गया। क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि हम अब फिजिकल अटैक्स के ऊपर रिजॉर्ट करेंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। क्या मेरे पास जवाब है? नहीं, मैं जवाब देना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सिर्फ आप लोग इसको थोड़ा खारिज कीजिए अपने दिमाग पे। सोचिए कि भारतवर्ष कहाँ जा रहा है, भारत हमारा देश किस किस्म का देश बनता जा रहा है, और क्या हम आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं इस देश को बेहतर बनाने के लिए? धन्यवाद। जय जनता।